नमस्कार, डीबी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। थोक मुद्रा स्फीति में इस बार बढ़त देखी गई है और ये पिछले महीने यानी सितंबर से बढ़कर 1.84% पर आ गई है। इससे पिछले साल के समान महीने यानी अगस्त 2023 में ये 1.13% पर रही थी। वही सितंबर 2024 में थोक महंगाई दर 0.26% पर ही रही थी। खाद्य उत्पादों की महंगाई दर में बढ़त के चलते मुख्य तौर से ये महंगाई दर तेज हुई है। हालांकि ये बढ़त बाजार विशेषज्ञों और अन्य जानकारों के अनुमान से कम रही है। सितंबर में थोक महंगाई दर 1.90% पर आने का अनुमान था। खाने पीने के सामान की महंगाई दर खास तौर से बढ़ी है और 9% के पार निकल गई है। इसी के साथ बता दें कि इस साल सितंबर में थोक खाद्य महंगाई दर बढ़कर 9.47% पर आ गई है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खाने पीने की कीमतें जो रिटेल और थोक महंगाई दर दोनों में बड़ा वेटेज रखती है, वो सितंबर के महीने में खासी बढ़ोतरी दिखा चुकी है। अगस्त में जो थोक खाद्य महंगाई दर 3.26% थी, वो बढ़कर सितंबर में 9.47% हो गई है। सितंबर में फ्यूल एंड पावर की कीमतों में गिरावट आई और पिछले महीने में 87% की तुलना में 4.5% पर आ गई, जो बड़ा आंकड़ा है। इसके पीछे कारण है कि अच्छे मॉनसून के चलते देश के ज्यादातर इलाकों में बारिश हुई और मौसम सुहावना रहा, जिसके चलते बिजली और ईंधन दोनों की डिमांड कम रही। इस डिमांड के कम होने का असर थोक फ्यूल एंड पावर सेगमेंट की दरों पर देखा गया और ये नीचे आई है। खाद्य वस्तुओं, खाद्य उत्पादों, मैन्युफैक्चरिंग, मोटर व्हीकल ट्रेलर्स और हाफ ट्रेलर्स के कंस्ट्रक्शन, मशीनरी, इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग आदि की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते देखी गई है। महंगाई का होलसेल इंडेक्स संख्या और महंगाई दर के सभी वस्तुओं और WPI घटकों के आधार पर थोक महंगाई दर में इजाफा देखा गया है।